नमस्कार। शेयर मार्केट में कई बार इन्वेस्टर छोटी गलतियों से अपना बड़ा नुकसान कर लेते हैं। आप भी इन गलतियों से दूर रहकर अपनी कमाई बढ़ा सकते हैं। ज़िंदगी में लगभग हर शख्स कभी न कभी शेयर बाजार में इन्वेस्ट करने का सोचता है या फिर इन्वेस्ट करता भी है। हालांकि मेजोरिटी केसेस में कॉमन इन्वेस्टर्स नुकसान उठाकर बाजार से अपनी दूरी बना लेते हैं। बाजार में कई रिस्क होते हैं, ऐसे में एक छोटी सी गलती किसी शख्स की कमाई को बर्बाद कर सकती है। अगर बाजार में इन्वेस्टमेंट की शुरुआत के दौरान आप कुछ छोटी छोटी गलतियों से बच गए तो शेयर बाजार आपके लिए काफ़ी फायदे का सौदा साबित हो सकता है। आज हम आपको बताएंगे क्या है वो गलतियां जो अक्सर आम इन्वेस्टर्स कर देते हैं। उसके लिए आपको ये पूरा वीडियो देखना होगा, चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बेल आइकन को दबाना होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि दूसरों को देखकर इन्वेस्टमेंट की शुरुआत करना। रिटेल इन्वेस्टर्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि वो दूसरों को मिलने वाले रिटर्न को देखकर इन्वेस्ट की शुरुआत का फैसला करते हैं। दरअसल एक्सपर्ट्स का मानना ये है कि बाजार में जब तेज रिटर्न दिखना शुरू होता है तब तक स्टॉक अपर लेवल पर पहुँचने लगते हैं। ऐसे में अपर लेवल पर इन्वेस्ट करना रिस्क बढ़ा देता है। एक्सपर्ट्स की जो सही सोच होती है उसके मुताबिक रिटेल इन्वेस्टर्स ऊंचाई पर पहुंचे स्टॉक से दूरी बनाए रखें और उसे ट्रेडर्स के लिए छोड़ दें, भले ही चार्ट पर उनका रिटर्न कितना शानदार क्यों न दिख रहा हो। इन्वेस्टर गुरु वॉरेन बफे की माने तो वो शेयर तब खरीदते हैं जब दुनिया बेच रही हो और वो शेयर तब बेचते हैं जब दुनिया खरीद रही हो। हाँ, अगर इन्वेस्टमेंट की शुरुआत करनी ही हो तो प्लीज़ किसी एक्सपर्ट से बात करें और साफ करें कि आप किस पीरियड तक अपना पैसा बाजार में छोड़ना चाहते हैं। बाजार में इन्वेस्ट करने की दूसरी गलती है इंट्राडे बिजनेस। रिटेल इन्वेस्टर्स के नुकसान की सबसे बड़ी वजह जो बाजार के एक्सपर्ट मानते हैं वो ये है कि रिटेल इन्वेस्टर्स इंट्राडे यानी एक दिन के बिजनेस में दिखे रिटर्न के ऊपर पर बाजार में इन्वेस्ट करते हैं। हालांकि उनकी अपनी तैयारी लंबी पीरियड की इन्वेस्टमेंट के बेस पर भी नहीं होती। इंट्राडे बिजनेस के लिए न केवल आपको बाजार की नॉर्मल से ज़्यादा जानकारी चाहिए, साथ ही बाजार पर पूरे कारोबार के दौरान सीरियसली से नज़र भी रखनी होती है। आप मौका चुके तो महज कुछ मिनटों में आप तेज मुनाफे से तेज घाटे तक पहुँच जाएंगे। अगर आप बाजार के खिलाड़ी नहीं हैं और बाजार में कमाई करना चाहते हैं तो बेहतर होगा कि आप बाजार को कुछ समय दें और उसे समझें। बाजार को लेकर समझ डेवलप होने पर आने वाले समय पर आप इंट्राडे ट्रेडिंग को लेकर बेहतर फैसला कर सकेंगे। तीसरी गलती है पैनी स्टॉक्स। रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचे बाजार में रिटेल इन्वेस्टर्स सबसे ज़्यादा नुकसान पैनी स्टॉक्स में उठाते हैं। दरअसल तेजी के दौरान इनका परफॉर्मेंस पूरे बाजार में सबसे शानदार दिखाई देता है। कई बार ऐसे स्टॉक एक हफ्ते में दो गुना या तीन गुना तक बढ़ जाते हैं। ऐसे में रिटेल इन्वेस्टर्स कम इन्वेस्टमेंट पर तेज प्रॉफिट की सोच पर इन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं। हालांकि पैनी स्टॉक में प्रोग्रेशन के कई रीज़न होते हैं, जिसमें बाजार में मौजूद लिमिटेड शेयर, छोटी ट्रेडिंग का भी बड़ा असर और कई बार जानबूझकर पैदा किया गया उछाल शामिल होता है। ध्यान रखें कि कोई स्टॉक पैनी स्टॉक कैटेगरी में तब आता है जब कोई कंपनी का कंडीशन काफी बुरी होती है। ऐसे में बेहद छोटी सी कीमत स्टॉक से रिटेल इन्वेस्टर्स अपनी दूरी बनाए रखें। जो लोग कभी न कभी स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर चुके होते हैं उनके पास अक्सर ऊंचे रिटर्न का एडवाइस देने वाला SMS या फिर किसी अनजाने ब्रोकर की तरफ से इन्वेस्ट की सलाह आती है। कई बार लोग न केवल इस पर खुद पर अमल करते हैं या साथ ही अपने करीबियों को भी इसकी सलाह देते हैं। बाजार जब दौड़ लगा रहा होता है तो हो सकता है छोटे ड्यूरेशन में ऐसी एडवाइस काम कर जाए। हालांकि अक्सर ऐसी सलाहें लोगों को बड़ी रकम डूबने की वजह बनती है। दरअसल ऐसी अनजान सलाहें किसी स्कैम का हिस्सा हो सकती है, जिसका मकसद ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उस शेयर की खरीद में शामिल कर कीमतों को बढ़ाना होता है। अगर आप सच में बाजार में कमाना चाहते हैं तो बेहतर ये होगा कि अपने लेवल तक बाजार को समझें, किसी एक्सपर्ट के कांटेक्ट में रहें जिनको स्टॉक्स के बारे में सारी जानकारी हो, और रिसर्च करते रहें। धन्यवाद।